एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के विवाद पर अब ऑयल इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ऑयल इंडिया से पिछले वैधानिक बकाए के रूप में 48,000 करोड़ रुपए की मांग की। कंपनी के अतिरिक्त संचार कार्य के लिए ऑप्टिक फाइबर के उपयोग को लेकर ये राशि मांगी गई है और ये ऑयल इंडिया के शुद्ध नेटवर्क से दोगुनी है।